महाराज आएंगे अर्जुन में, तो इतना सुंदर चेहरा, इतना कमाल का रूप होगा, देव अदेव लज्जावेंगे, उनको भी शर्म आ जाएगी कि इतना खूबसूरत रूप अनूप, रूप अनूप स्वरूप महालख, देव अदेव लज्जावेंगे, देव अदेव लज्जावेंगे, हर जू हर मंदर आवेंगे, हर जू हर मंदर आवेंगे, भले जस गावे, फल भाग भया संभल के, भाग भया संभल के, हर जू हर मंदर आवेंगे, हर जू हर मंदर आवेंगे, गण भूत परेत पिशाच परी, नर नारद कुंभर किन्नर जच्छ, सोपीन प्रवीण बजावेंगे, सोपीन प्रवीण बजावेंगे, फल भाग भया संभल के, फल भाग भया संभल के, हर मंदर आवेंगे, हर हर मंदर आवेंगे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कान भले को मंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कान भले को मंदे, हर जू हर मंदर आएंगे, हर जू हर मंदर आएंगे,
जी को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का ये अवतार प्रकट होगा। भागवत पुराण कल्कि अवतार की कथा विस्तार से है। कथा के अनुसार संभल ग्राम में कल्कि का जन्म होगा। अपने माता पिता की पांचवी संतान कल्कि यथा समय देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार का स्वरूप और आख्यानों पर अक्सर चर्चा हुई है। सबसे पुरानी मीमांसा साम्यवादी विचारक सत्य भक्त की है। उनके अनुसार जो भी सार्वभौम सत्य और युगीन सिद्धांत को व्यक्त करते हैं वे सभी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कौन होंगे कल्कि के माता पिता? दोस्तों, इस अभिव्यक्ति की सघनता और विरलता के अनुसार ही अवतारी शक्तियों के स्तर या कलाएं तय की जाती हैं। बुद्ध से पहले कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया। सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी दुष्टता का दलन किया। अब जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वो निष्कलंक होगा। कला, शांति, शौर्य और दैवी गुणों में उत्कृष्ट। भागवत में कल्कि का संक्षिप्त विवरण ही है, उनके चरित्र और जीवन का विशद वर्णन कल्कि पुराण में दिया हुआ है। अध्येताओं के अनुसार भागवत और कल्कि पुराण में अंतिम अवतार के बारे में जो उल्लेख किया गया वो आलंकारिक है। उसका रूपक समझना चाहिए, कल्कि का स्वरूप और आशय समझना चाहिए। पुराण के अनुसार कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सर्व व्यापक परमात्मा की स्तुति करता लोक हितैषी है। सुमति का अर्थ है अच्छे विचार रखने और वेद पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिला। ऐसा होगा कल्कि भगवान का स्वरूप। दोस्तों, कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य होता है, दिव्य अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। वे श्वेत अश्व पर सवार है। भगवान का रंग गोरा है परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। वो पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। स्वयं उनका मुख पूर्व की तरफ है तथा अश्व दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। ये चित्रण कल्कि की सक्रियता और गति की ओर संकेत करता है। युद्ध के समय उनके हाथ में दो तलवारें होती हैं। कल्कि अवतार करेंगे ये काम। दोस्तों, मनीषियों ने कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि कल्कि सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर आतताइयों पर प्रहार करते हैं। इसका अर्थ उनके आक्रमण में शांति यानी कि श्वेत रंग, शक्ति यानी कि अश्व और परिष्कार यानी कि युद्ध से जुड़ा हुआ है। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है आसपास की और दूरगामी दोनों तरह की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण। कल्कि की ये रणनीति समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशा धारा में बदलाव का प्रतीक ही है। इस बार अवतार असुरों या दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यही संदेश है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया अद्भुत रहस्य कल्कि भगवान से जुड़ा हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। कॉल टू ज्वाइन 9478773775।